नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंबाला में हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बात करें अगर सोशल डिस्टेंसिंग की तो उनकी धज्जियां उड़ती दिखी। दरअसल हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह क्षेत्र भेजने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कल भी कॉल करके इन प्रवासी मजदूरों को बुलाया गया था। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हरियाणा सरकार ट्रेन से उनके गृह क्षेत्र भेज रही है, तो ये लोग जाने की जल्दी में अंबाला कैंट के DAV पब्लिक स्कूल के पास इकट्ठा हो गए, जहां पर सरकार द्वारा इन लोगों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर बना रखा है। यहां पर उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, लेकिन यहां पर वो लोग भी पहुंच गए जिनके पास प्रशासन द्वारा कॉल आया था। मौके पर अंबाला कैंट के SDM सुभाष सिहांग भी मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर यहां पहुंच गए, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि जिन लोगों के पास फोन आया वो ही लोग यहाँ पर रुके, बाकी सभी वापस चले जाएं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना करें, जब भी उनको बुलाया जाएगा तभी वो यहाँ पर आए। ये लोग कहाँ मानने वाले थे, बस भारी संख्या में यहाँ जुटे रहे। इन लोगों में ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा रखा था। ऊपर से चिलचिलाती गर्मी, कई महिलाएं और पुरुष अपने सामान को सिर पर उठाए नजर आ रहे थे। जिन लोगों का नंबर आया वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और जिन लोगों का नंबर नहीं आया वो निराश भी नजर आ रहे थे। जब छोटे छोटे बच्चे की माँ से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मीडिया में अपना दर्द बयां किया। यहाँ कोई काम नहीं है, ऊपर से मकान मालिक किराया मांगता है, इस करके ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में जैसे ही आर्मी की गाड़ी खाना लेकर यहाँ पहुंची तो ये लोग खाने पर टूट पड़े, ऐसे जैसे कि कई दिन के भूखे हों। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। वहीं जिन लोगों का नंबर आ गया था उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया था और उनको जाने का पास भी दिया गया। वो रुकेगा, बाकी का कोई नंबर नहीं पड़ेगा किसी का, रजिस्ट्रेशन हुआ है तो दोबारा से कॉल आएगी, दोबारा ट्रेन जाए आएगी जब भी, जब कॉल आएगी दोबारा फेरा लगेगा, लिस्ट पे टैली कर लेंगे हम। हमने जो लिस्ट है हमारे पास उस पर टैली कर लेंगे, अगर होगा तो ले लेंगे। हमें लिस्ट से बाहर एक दिन जाएगा, हमारे को 500 सीटें मिली है, 500 सीटों में कितने आदमी हमारे पास आने जी अंतर आती है लिस्ट में, वो ही जाएगा, इसके अलावा एक भी आदमी नहीं जाएगा। Thank you.